Don't count on logic. Logic has nothing to do here. Don't expect the reasonable, nor think in probabilities. Time works differently here. But if all this seems odd, don't worry. You don't need logic. Believing is enough. भाई थोड़े टाइम पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक डॉन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक लाइन बोली थी भाई, इन फ्यूचर सिर्फ वो प्लेयर साइन करूंगा जो भाई इस आज तो वो शर्ट नहीं डाली भाई, जो रियाल मैड्रिड के लिए खेलना चाहते होंगे, जो रियाल मैड्रिड के बैच के लिए खेलना चाहते होंगे, सिर्फ वो प्लेयर साइन करूंगा भाई जो हार्डकोर मद्रिदिस्ताज होंगे। उनकी शक्ल आपको मैं दिखाता हूँ भाई, उनकी शक्लों से आपको दिखेगा टपक टपक के इस शर्ट के लिए खेलना क्या होता है। दिखता है भाई पैशन। आप पहले ये देखो भाई, हार्डकोर मद्रिदिस्ताज कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, आप पहले ये देखो। बेलिंगम वॉज यूजलेस भाई, आपको ये कल के मैच के बाद बहुत ज़्यादा सुनने को मिल, स्पेशली भाई ये सेमीफाइनल फर्स्ट लेग एंड सेकेंड लेग होने के बाद ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा भाई। बेलिंगम रियल फैंस ना ज़बरदस्ती इतनी हाइप करते हैं बेलिंगम की, ना इसने गोल मारा ना असिस्ट किया ना भाई। देखो बेलिंगम ने अपना ना ऐसा स्टैंडर्ड बना लिया है, जब तक ये बंदा एज अ मिडफील्ड खुद एक तो मिडफील्डर है भाई, जब तक ये बंदा एज अ मिडफील्डर गोल या असिस्ट ना निकाले भाई, ये गायब था यार, ये मैच से गायब था भाई। देखो देखो मैं रखता हूँ, मैं खोलता हूँ, इस प्लेयर का कितना बड़ा रोल था कल के मैच में, अपने घर पर कितना बड़ा रोल था भाई, रखता हूँ। बट उससे पहले आप ये चीज़ सुनना, बार्सा फैंस भाई यमाल की हाइप करते हैं भर के, ठीक है कोई गलती नहीं उसमें, कोई गलत बात नहीं है भाई। चेल्सी फैंस कोल पार्मर की हाइप करते हैं भाई, बायर्न फैंस मुसियाला की हाइप करते हैं भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भाई कोबी मेनो की हाइप करते हैं भर के, कोई गलत बात इसमें नहीं है, तगड़े प्लेयर्स हैं भाई। मैनचेस्टर सिटी फैंस फोडन की हाइप करते हैं, बट जब एज अ रियल मैड्रिड फैंस, जब रियल मैड्रिड फैंस भाई बेलिंगम की हाइप कर दे, तो भाई जबरदस्ती आप लोग बेलिंगम को चढ़ा रहे हो, जबरदस्ती आप लोग बेलिंगम की हाइप कर रहे हो, जबरदस्ती। कल के मैच में वो गायब था मेरे भाई, सुनो ये बंदा अपने दम पर, ये एक मिडफील्डर है भाई, एक मिडफील्डर अपने दम पर, सिर्फ 20 साल का लड़का अपने दम पर इस टीम में इस बंदे ने, रियल मैड्रिड भाई इस बंदे ने जान डाल दी है, इस बंदे ने अकेले अपने दम पर भाई इस बंदे ने जान डाल दी, जब स्टार्टिंग ऑफ द सीजन जब ये आया था, इस बंदे ने अपने वर्क रेट से, गोल से, असिस्ट से, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन से, ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन से, मेंटालिटी भाई जो इसका करेक्टर है, इसने सब कुछ डाल दिया इस टीम में, एल क्लासिको अपने दम पर जितवा रहा है, रियल मैड्रिड को कैरी करता है भाई लालीगा में, यूसीएल में, वो भी अपने पहले सीजन में, विदाउट नंबर 9, विदाउट प्रॉपर डिफेंस, विदाउट प्रॉपर डेप्थ। कल के मैच में भाई ही वॉज यूजलेस, दिखा नहीं भाई ऐसा कुछ करते हुए, गायब था, ही वॉज घोस्ट भाई, दिखाई नहीं ठीक है। आप पहले इधर आओ भाई ये चीज देखो, बेलिंगम को देखो, बेलिंगम की पोजीशनिंग देखो, बेसिकली फ्री रोल। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कल के मैच में गायब था या फिर इस बंदे ने कितना कुछ उखाड़ा कल पिच पर भाई, बेसिकली फ्री रोल। आपको ये बंदा फॉल्स लाइन में भी दिखेगा, आपको ये लेफ्ट पे भी दिखेगा, आपको ये राइट पे भी दिखेगा, आपको ये बंदा डिफेंस पर भी दिखेगा भाई। इतना स्मार्ट प्लेयर है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था कल के मैच में भाई, टू फाइंड स्पेस भाई। कल ही वॉज रोमिंग भाई इन टू द हाफ स्पेसिस बिटवीन लाइमर एंड सानी, बिटवीन बायन के अटैक भाई, बिटवीन मतलब वो जिस तरह स्पेस ढूंढ रहा था, जिस तरह वो बायन के मिडफील्ड के पीछे स्पेस ढूंढ रहा था भाई, कैसे ये बंदा ड्रिफ्ट कर रहा था, कैसे ये बंदा गैप्स ढूंढ रहा था बायन की मिडफील्ड में, एंड कैसे उस गैप को एक्सप्लॉइट कर रहा था। जूड बेलिंगम जैसा प्लेयर अगर आपकी टीम में, इसका मतलब पता क्या है भाई, ये बंदा He can find spaces, he can create spaces, he can exploit spaces, आपको तंग कर देगा भाई, ये भी बंदा 90 मिनट्स के लिए तंग कर देगा बायन को एंड बायन की मिडफील्ड को, बार बार इस बंदे ने खोला है। इधर देखो भाई, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ भाई, बेलिंगम का पास टू चुआमिनी,
चुआमनी का पास टू क्रूज भाई, एंड लाइमर जो बेलिंगम को मार्क कर रहा था वो अब प्रेस करता है क्रूज को, बट बेलिंगम कैसे स्पेस ढूंढता है बिहाइंड बायन की मिडफील्ड भाई, ही इज स्मार्ट इनफ टू नो स्पेस कहाँ है, कैसे खोलनी है, कैसे क्रिएट करनी है और कैसे एक्सप्लॉइट करना है भाई। कल रियल मैड्रिड चढ़ रखी थी बायन पर, क्रूज का देखो भाई बहुत बड़ा हाथ था भाई, बहुत बड़ा डोमिनेट, मतलब जिस तरह डोमिनेट कर रहा था मिडफील्ड को, बहुत बड़ा हाथ था क्रूज का, बट उतना ही बड़ा हाथ, उतना ही बड़ा रोल कहीं ना कहीं कल के मैच पर जो इम्पैक्ट वाइज बेलिंगम का भी था भाई। देखो ये तो मैं आपको बेलिंगम का ना बस एक पार्ट बता रहा हूँ, जिस तरह ये स्पेस ढूंढता है, क्रिएट करता है, स्मार्ट इनफ टू भाई कहाँ पे स्पेस है, कैसे क्रिएट करना, कैसे एक्सप्लॉइट करना, कैसे कंफ्यूज करना, कैसे, मतलब ये मैं आपको सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा हूँ भाई, जिसको लगता है ही वॉज यूजलेस भाई। कल का मैच फिर से उठाना, फिर से उठाओ, फिर से देखो भाई, जिस हिसाब का इस बंदे ने डिफेंसिव वर्क जो कल करके, जो कल इसने डिफेंसिव वर्क नॉन स्टॉप किया है, डाला है कल के मैच में, मुझे नहीं चाहिए भाई इसके गोल्स, मुझे नहीं चाहिए इसके असिस्ट, इसका जो प्राइमरी काम है वो इस बंदे ने कल करके दिखाया सबसे बड़े स्टेज पर, जब इससे जरूरत थी इसने करके दिखाया कल भाई, विदाउट गोल्स एंड असिस्ट आप इसकी पहले रेटिंग चेक करना, ठीक है भाई। देखो अब इस एक और चीज मेरे को आपके सामने रखनी जो मैं कल की वीडियो में नहीं रख पाया भाई, वी नीड टू स्पीक अबाउट दिस मोमेंट भाई जो कल के मैच में हुआ भाई, एक ऐसा मोमेंट जो बहुत बड़ा मोमेंट था बेसिकली भाई, एक ऐसा मोमेंट जो पूरे मैच को डिसाइड कर देता, सिर्फ एक सेकंड का फर्क, सिर्फ एक सेकंड का फर्क रह गया था भाई, पूरे मैच को डिसाइड कर देता, पूरे मैच को भाई। रियल मैड्रिड हार रही है, सुनो देखो भाई, रियल मैड्रिड हार रही है 85th मिनट भाई, 3-2 एग्रीगेट रियल मैड्रिड हार रही है फर्लन मेंडी इन अ 3-1 सिचुएशन, 1-3 सिचुएशन में फंस रखा है। अब देखो भाई मेंडी को कैसे अपनी पोजिशनिंग से भाई, क्यों उसको कार्लो बेस्ट डिफेंसिव फुलबैक इन दी वर्ल्ड बोलता भाई, रीजन है, रीजन कैसे अपनी पोजीशनिंग से बायन के अटैक को भाई इस बंदे ने डीले कर दिया, इस डीले करवा दिया बायन के अटैक को भाई, टाइम मिल गया रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को पीछे ट्रैक बैक, पीछे फॉल बैक करने का भाई, इस डीले की वजह से मॉड्रिच को टाइम मिला पीछे आने का। देखो भाई हमें मेंडी का पता है, इज बेस्ट डिफेंसिव फुलबैक फॉर कार्लो एंसेलोटी फॉर अस बॉय फॉर रियल मैड्रिड फैंस, पता है भाई जी वो चैंपियंस लीग में करता है, बार बार करता है भाई भाई, बट सबसे देखो इस बंदे ने अपना रोल किया जो ये बंदा कर सकता था बेस्ट, जो ये बहुत बड़ा मोमेंट था, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था, इसने अपना बेस्ट दिया, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता था, इसने अटैक को डीले करवा दिया, ठीक है। बट बस अब आप लुक एट मॉड्रिच, छोड़ दो यार सारा काम वाम सब छोड़ दो भाई, लुक एट मॉड्रिच भाई, दिस रन टू स्टॉप बायन का सेकंड गोल, मेरे भाई ये होती है कमिटमेंट भाई, भाई ये होती है कमिटमेंट, ये ही इज ऑलमोस्ट 39 इयर्स ओल्ड मेरे भाई, इस बंदे के पास, मॉड्रिच के पास पांच, ये बंदा 5 यूसीएल जीत कर बैठा हुआ है, आप भूख देख रहे हो, आप कमिटमेंट देख रहे हो भाई, रियल मैड्रिड के लिए कमिटमेंट देख रहे हो, भूख देख रहे हो, 39 इयर्स ओल्ड ऑलमोस्ट 39 भाई, सबसे पहले मॉड्रिच पहुंचा टू विन दैट बॉल, सिर्फ एक सेकंड का फर्क था भाई, सिर्फ एक सेकंड, अगर एक भी सेकंड लेट होता मैच खत्म था, बायन का सेकंड गोल, मैच खत्म था भाई, मैच खत्म था। स्प्रिंटिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द पिच, सबसे पहले रियल मैड्रिड का प्लेयर कौन पहुंचा, लुका मॉड्रिच भाई, और फ्यू मिनट्स लेटर भाई रियल मैड्रिड ने गोल निकाला, रियल मैड्रिड ने इक्वलाइज किया, ये होता है मोमेंट, मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, ये भी बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं, ये मोमेंट डिसाइड करते हैं भाई, ये कमिटमेंट, वो वर्क रेट, ये वो भूख, ये चीजें बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करती है भाई इतने बड़े मैचेस में। That's all for this video भाई, आप लोग अपने thoughts comment section में जरूर रखना मेरे भाई, क्या बेलिंगम आपके हिसाब से कल के मैच में यूजलेस था, या फिर आप शायद और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बेलिंगम से, मतलब जो भी आपके thoughts है on बेलिंगम जरूर रखना मेरे भाई, और इस चीज पे भी जरूर रखना, क्या रियल मैड्रिड फैंस जबरदस्ती जूड बेलिंगम को हाइप करते हैं, जबरदस्ती जूड बेलिंगम को चढ़ाते हैं, मेरा भाई इसमें पॉइंट बहुत क्लियर है भाई, इसमें मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है भाई, बेलिंगम ने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया एज अ मिडफील्डर, उस लेवल पे पहुंचा दी, जिस एज का, जिस 20 साल का ये प्लेयर है उस लेवल पे इस बंदे ने अपने आप को खड़ा कर दिया है कि भाई बेलिंगम करता क्या भाई, कोल पार्मर इज बेटर देन बेलिंगम भाई, फोर्डन बेलिंगम करता क्या भाई, फोर्डन इज बेटर देन बेलिंगम, बेलिंगम करता क्या भाई, मुसियाला इज बेटर देन बेलिंगम भाई, ये मतलब जो भी है, इस बंदे ने अपने आप को इतना बड़ा लेवल, इतना बड़ा प्लेयर बना दिया भाई, कोई भी बड़ा प्लेयर अगर आपको लग रहा है भाई वर्ल्ड फुटबॉल में बड़ा प्लेयर कोई आ रहा है बेलिंगम से कंपेयर करो भाई, बेलिंगम ने अपने आपको इस लेवल पे पहुंचा दिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलना, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।